शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में उन्हें न्यायाधीश कहा गया है। कर्ण फलदाता शनि सभी को कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो हर किसी की झोली भी भर देते हैं। इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए विभिन्न तरह के उपाय अपनाए जाते हैं, जिनमें से एक उपाय सरसों का तेल चढ़ाना भी है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं, जिससे साढ़े साती शनि दोष या फिर धैया से छुटकारा मिल जाता है। भगवान शनि को सिर्फ सरसों का तेल चढ़ाया ही नहीं जाता है, बल्कि सरसों के तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। शनिदेव को तेल और तिल चढ़ाने से वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। शनिवार के दिन ये उपाय करने से शनि की साढ़े साती और अढ़ैया से राहत मिलती है। शनिदेव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसा करने पर शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। धन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को अपने बल पर अहंकार हो गया था। वे खुद को सबसे शक्तिशाली समझने लगे थे। इसी घमंड में शनिदेव ने हनुमान जी से युद्ध करने की सोची और युद्ध जीतकर तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान बनना चाहते थे। इसलिए शनिदेव भगवान हनुमान जी से मिले। उस समय हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में लीन थे। शनिदेव हनुमान जी से मिले और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव को बहुत समझाया, वो कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। शनिदेव ने हनुमान जी की एक नहीं सुनी और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। शनिदेव लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो गए और युद्ध में हार गए। शनिदेव को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। तब हनुमान जी ने उनके पीड़ा को कम करने के लिए तेल लगाया। इसके बाद से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। शनिदेव ने भगवान हनुमान को वचन दिया कि वो उनके भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति सच्चे मन से तिल चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके अलावा एक और भी प्रसंग कहा जाता है कि रामायण काल के दौरान जब रावण ने सभी ग्रहों को अपने बल से बंदी बना लिया था, उस समय रावण ने अपने अहंकार के चलते शनिदेव को उल्टा लटका दिया था। उस समय जब हनुमान जी माता सीता की खोज में पूरे लंका में आग लगा दी थी, उस समय सभी ग्रह आज़ाद हो गए, लेकिन उल्टा लटकने के कारण शनिदेव छूट नहीं पाए थे। तब हनुमान जी ने उन्हें आज़ाद कराया था और लटकने के कारण उनका शरीर दर्द में था। उस समय भी हनुमान जी ने शनिदेव के दर्द पर तेल की मालिश की थी, इससे उन्हें आराम मिला था। उस समय शनिदेव ने कहा कि जो व्यक्ति तिल चढ़ाएगा उस व्यक्ति को सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। मान्यता है कि शनिदेव पर तिल चढ़ाने की परंपरा तब से ही शुरू हुई।